इतने सारे कमेंट्स आ गए केलन जी के ऊपर, ले आए हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा हॉल केलन जी का, जिसमें मैंने 3 केलन जी के जूते इंक्लूड करे। हाँ भाई, ये जो चौथा वाला जूता है ये है न्यू फील का, इसका भी कमेंट करा दो, सोचा कर लेते हैं। एक छोटा सा सिनेमैटिक भी बनाया यार, वो तो रह ही गया, उसको भी लगा लेते हैं। सारे जूतों को एक बार देख लेते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड लगेंगे यार, वीडियो को पॉज करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन भी दबा लेना अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस रेगुलरली देखना हो तो। एंड चलिए सबसे पहले तो उसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, कुछ कुछ तो थैलियों में आई है। तो इस वाले जूते को तो अलग कर देते, डायरेक्ट आए थे, और ये रहा अपना व्हाइट वाला जूता, सीधा इसको फटफट खोलते हैं। एंड ये रहा वो व्हाइट वाला जूता, ब्लू वाले को भी खोल लेते हैं। तो यार ये वाला जूता अपन ने पहले भी रिव्यू कर रखा है, इसका जो मैंने ऊपर कार्ड में डाल दिया, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली फुल रिव्यू देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये वाले केलन जी के ऊपर, तो ये है पूरा ब्लू कलर का शू और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है, मतलब आप लोग देख सकते हैं कुछ भी ऐसा फंकी टाइप नहीं डाला गया, एकदम प्लेन सा जूता है। तो अगर आप लोग कोई भी प्लेन सी टी शर्ट वगैरह डाल रहे हो तो बहुत ही सही मैच करेगा। यहाँ पर अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो आप लोगों को केलन जी का लोगो मिल जाएगा फ्रंट में, कुछ कुछ जगह पर होल्स पैटर्न फॉलो कर रखे, और मैश यहाँ पर दे रखा है वो तो पूरा होल्स का बना हुआ है, तो आप लोगों की ब्रीदिंग एकदम प्रॉपर रहेगी। और मेनली ये रनिंग के लिए बनाया गया, तो इसको सबसे ज़्यादा माइंड में लेकर इसको डिज़ाइन कराया गया। अगर आप लोग बहुत ही लंबा रन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी स्वेटिंग को का प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। वही अगर मैं शू को टर्न कर रहा हूँ, इस तरफ भी सेम डिजाइन दे रखी है, पीछे की साइड आप लोगों को केलन जी का लोगो मिल जाएगा जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव सा है। एंड वही अगर मैं इसके सोल की बात करूँ तो सोल भी यहाँ पर एकदम सिंपल सा दे रखा है, टीपीआर मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा, ईवा भी यूज़ कर रखा है उसकी बेस लेयर में, एंड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आप लोगों को ईवा के कारण भी एक्स्ट्रा कुशनिंग मिलेगी और यही चीज़ आप लोगों को ज़्यादा कंफर्ट फील कराएगा। यहाँ पर जो टीपीआर दे रखा है ये आप लोगों की ग्रिपिंग भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड वही नेक्स्ट अगर मैं इसकी लेसेस की बात करूँ तो लेसेस यहाँ पर राउंड दे रखे हैं, राउंड लेसेस हैं, तो सीधी सी बात ये ज़्यादा ड्यूरेबल है आपकी प्लेन वाली लेसेस से। अब सीधा यार अगर मैं इसके वॉकिंग और रनिंग टेस्ट की बात करूं तो प्रोफेशनली अगर आप लोग इस शू को यूज़ करने का सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को ये इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करनी है तो वहाँ पर ये ठीक रहेंगे, पर लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि अगर आप लोगों को 3-4 किलोमीटर रन करना है तो वहाँ पर ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाले हैं। एक और खास बात मैं आप लोगों को बता दूँ, इस शू की जो क्वालिटी है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी लगी है। आप लोग देख सकते हैं अगर मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पर कहीं भी मुझे ऐसा स्ट्रेच मार्क्स देखने को नहीं मिल रहा। इवन अगर मैं नाइक वगैरह के शू की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है, तो मान के चलो ये शू अच्छे खासे ड्यूरेबल रहेंगे। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये शू आप लोगों को सिर्फ पड़ेगा 1600 रुपये का, और 1600 रुपये में तो यार क्या ही वर्थ है। और एक और चीज़, केलन जी यूजुअली 2500-2200 इस रेंज का पड़ता है, पर ये आप लोगों को 1500 का पड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि यार इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, पर मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत अच्छी क्वालिटी दे रखी है। एंड जितने भी जूते मैंने आज यहाँ पर बताए उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से उनको परचेज कर सकते हैं। दूसरा जो जूता मैं आप लोगों को केलन जी का बताऊंगा, तो मैं पर्सनली अपने कलेक्शन में ऐड करने वाला हूं। ये जो है ये एक वाइट स्नीकर है जिसमें थोड़ा बहुत ब्लैक कलर का टचअप कर रखा है, और मुझे तो यार ये जूता बहुत ही सही लगा है। तो यार कोई भी अगर इसको एक बार भी पहनेगा ना तो नजर में बहुत आने वाला है। इसके डिजाइन की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नेट पैटर्न्स मिलेंगे जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के, यहाँ पर भी केलन जी का लोगो दे रखा है, और ये थोड़ा बहुत सिंथेटिक टच में, इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी दे रखी है। कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर केलन जी की एक्स्ट्रा ब्रांडिंग कर रखी है, जैसे कि यहाँ पर हो गई, और पीछे के साइड यहाँ पर एकदम सिंपल छोड़ा गया। वही अगर मैं इसके सोल मटेरियल की बात करूँ तो सोल मटेरियल पूरा टीपीआर का बनाया गया, थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा ये शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में, ज्यादा डिस्टेंस की रनिंग मत करना, आप लोगों को इतना कंफर्टेबल नहीं पड़ने वाला है। ये वाले शू का हार्ड सोल है, तो अगर आप लोगों को डेड लिफ्ट करना है या फिर वेट लिफ्टिंग उठानी है, कुछ भी करना है, तो ये बहुत ही सही रहेंगे वहां पर, क्योंकि ये प्रेस नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं सीधा इसके वॉकिंग और रनिंग टेस्ट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लॉन्ग रनिंग के लिए तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा, पर हाँ शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग हो गई, जैसे कि 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा, आप लोगों को इंडोर एक्टिविटीज़ में आप लोग इसको यूज़ कर पाओगे, बास्केटबॉल खेलना हो या फिर टेनिस खेलना हो, तो वहाँ पर ये बहुत ही सही रहेंगे। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये शू पड़ा था मुझे 2600 रुपये का, और 2600 रुपये के हिसाब से ये काफ़ी वर्थ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट केलन जी के शू के ऊपर। तो यार इस वाले जूते के ऊपर मैंने पहले से ही डिटेल में रिव्यू दे रखा है, तो अगर आप लोगों को और डिटेल में देखना है तो आप डायरेक्टली ऊपर कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। एक बेसिक डिजाइन और मटेरियल की बात करते हैं तो आप लोगों को सेंटर में वही डिकेथलॉन का लोगो मिल जाएगा, साइड में यहाँ पर नेटिंग कर रखी है जो कि पूरे मैश मटेरियल की है, और मैश के कारण आप लोगों को पता है एयर पासिंग अच्छी हो जाएगी,
कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर सिंथेटिक पैचेस भी अटैच कर रखे हैं, स्टिच कर रखे हैं, पीछे की ओर भी यहाँ पर कैलेंजी की ब्रांडिंग कर रखी है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इस शू में काफ़ी कलर्स का यूज़ कर रखा है। पीछे के साइड आप लोगों को येलो, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू सारे टाइप के मतलब कलर यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं। तो नो डाउट ड्यूरिंग रनिंग यार ये शू बहुत ज़्यादा नजर में आएंगे। इसके बैक सोल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स मिलते हैं जो कि 3D में। अब ये जो चीज़ है ये आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रिपिंग देंगी, स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग देंगे। मोस्टली अगर आप लोग ग्राउंड वगैरह में रनिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग मिलेगी। आउटर लेयर पूरी TPR की बनाई गई है एंड जो इनर लेयर है ये जो है आप लोगों को ईवा का मिलेगा। तो काफी सॉफ्ट सा मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। एंड इसकी जो सोल हाइट है वो है कुछ 1.8 inches। वही अपन आ जाते हैं इसके आउटडोर टेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो फिटिंग में ये शू एक्जैक्टली फिट था मेरे साइज से। एंड पर्टिकुलरली इस शू को मैं आप लोगों को दोनों ही चीज़ों में प्रेफर करूंगा, यानी कि अगर आप लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करनी है तो वहाँ पर ये सही रहेंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है तो वहाँ पर भी आपको कोई पैर नहीं दुखेगा, एकदम एक्सट्रीम कम्फर्ट मिलेगा। इसका जो इंसोल है वो पूरा रबर का बनाया गया, तो आप लोग को एकदम डिसेंट सा कम्फर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसकी प्राइसिंग है वो भी काफ़ी कम है, यानी कि आप लोगों को 2300 रुपये में ये शू पड़ जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। बट दी एंड गाइस, मैंने कैलेंजी के अलावा भी एक शू को यहाँ पर रख रखा जो कि बहुत लोगों ने डिमांड करी थी, ये है न्यू फील बाय डिकैथलॉन। इस वाले शू को मैंने इसलिए भी ऐड करा है क्योंकि इस शू का जो वेट है वो बहुत ही कम है, मात्र 180 ग्राम का ये जूता है। और अब आप सोच ही लो यार, 180 ग्राम का जूता आप लोगों को पहनने पर तो ये फील भी नहीं होने वाले। इसके बेसिक डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं तो आप लोगों को आउटर में पूरा सेम टाइप का डिजाइन मिल जाएगा जो कि पूरा सर्कल पैटर्न्स दे रखा है। यहाँ पर जो आउटर लेयर है उसको काफी पतला बनाया गया, मतलब आप लोगों को बस दो लेयर मिलेगी, एक तो हो गई आपकी आउटर वाली लेयर और अंदर की ओर भी यहाँ पर एक लेयर अटैच कर रखी जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। एंड शू की कंप्लीट वाइब भी अलग है, यहाँ पर आप लोगों को डिकैथलॉन का लोगो मिल जाएगा पीछे की ओर, यहाँ पर सेम सोल वाला मटेरियल फॉलो कर रखा है। तो बैक सोल भी यहाँ पर एकदम सिंपल सा दे रखा है, सेम सर्कल पैटर्न दे रखे जो कि आप लोगों की ग्रिपिंग को टारगेट करेगा। मटेरियल की बात करूँ तो वो आप लोगों को यहाँ पर पूरा रबर मिलता है, रबर की क्वालिटी में एकदम अच्छी तो नहीं कहूंगा बट हाँ एकदम मीडियम से कह सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है शू का वेट कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी में ये बहुत ही सही रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हो शू को मैं कहीं पर भी फ्लेक्स करूँ तो काफ़ी इजीली फ्लेक्स हो रहे हैं। अब आ जाते हैं शू के आउटडोर टेस्ट के ऊपर। तो यार इस जूते ने आउटडोर में भी काफ़ी कमाल दिखा है, मतलब 900 रुपये में आप क्या ही लोगे। नॉर्मल वॉकिंग रनिंग में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सही रहेंगे, कंफर्ट भी एकदम डिसेंट सा मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कोई जूता लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेना है तो आप लोग न्यू फील छोड़ के तीनों कैलेंजी में से कोई परचेस करिए, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी लो है। एंड बेसिक रनिंग वगैरह में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि वो है 900 रुपये। तो दोस्तों ये तो हो गए अपने सारे जूते, इन सभी के बारे में मैंने बात कर ली। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बने रहिए आप मेरे चैनल से। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।